और सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भारत सूरज। सियासत का सफर जबलपुर पहुंचा है। बीजेपी का गढ़ मानी जाने वाली जबलपुर लोकसभा सीट संस्कार धानी के नाम से मशहूर है। जबलपुर की सीट पिछले 27 सालों से बीजेपी का एक अभेद किला बनी हुई है। बीजेपी के राकेश सिंह यहां से 4 बार सांसद रह चुके हैं। हालांकि ये बात अलग है कि इस बार बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है और पार्टी के एक जुझारू और कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले आशीष दुबे को टिकट दिया गया है। जहां एक तरफ बीजेपी के आशीष दुबे मैदान में हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के दिनेश यादव चुनावी मैदान में ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। जबलपुर सीट से पिछली बार कांग्रेस ने विवेक तन्खा को मैदान में उतारा था, लेकिन उन्हें भी राकेश सिंह के हाथों 4.5 लाख वोट से हार का सामना करना पड़ा था। इस बार कांग्रेस ने दिनेश यादव को मौका दिया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दिनेश यादव मोदी फैक्टर और मोदी के रंग में रंगी संस्कार धानी की इस सीट पर कितना कमाल दिखा पाते हैं। जबलपुर के सियासी इतिहास पर नजर डालें तो 1982 में पहली बार बीजेपी को यहां जीत मिली थी। 1996 और 1998 में बीजेपी के बाबूराव परांजपे यहां से जीते थे। 1996 से 2019 तक लगातार 7 बार यहां बीजेपी के सांसद का कब्जा रहा। बंगाली नेता और कश्मीरी पंडित भी यहां से सांसद रह चुके हैं। सेठ गोविंद दास और राकेश सिंह 4 बार सांसद रहे। शरद यादव 1974 और 1977 में सांसद रह चुके हैं। जबलपुर का सियासी इतिहास तो साफ इशारा करता है कि पिछले कई सालों से ये सीट बीजेपी के लिए काफी मुफीद है। लेकिन एक बार यहाँ के सियासी गणित को भी समझ लेते हैं। यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 17,11,683 है, जिसमें पुरुष मतदाता 9,41,000 हैं और महिला मतदाता 8,77,000। जबलपुर लोकसभा सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के दिग्गज नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जबलपुर में रोड शो कर चुनावी प्रचार का बिगुल फूंक चुके हैं। जबलपुर के जरिए बीजेपी पूरे महाकौशल को साधने की कोशिश में लगी हुई है। अब देखना होगा कि बीजेपी अपनी इस रणनीति में कितनी सफल हो पाती है। हम लोग जबलपुर घूमने निकले हैं। सवाल बहुत पेचीदा है ही नहीं, सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि हर बार भाजपा क्यों? ऑप्शन कोई है ही नहीं, सेंट्रल में कोई विरोधी बच ही नहीं रहा, टिक ही नहीं रहा है, क्या कर सकते हैं? जबलपुर में ऑप्शन है कि नहीं? नहीं, जबलपुर में भी ऑप्शन है। जबलपुर में भी कोई ऑप्शन नहीं, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी तो आप किसको लेके आएगा, आप लोग जानिएगा। लेकिन विवेक तन्खा, आप नाम सुने विवेक तन्खा का? बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के। वो 4.5 लाख वोट से हरा दिया आप लोग इस बार। है जो अच्छा काम करेगा तो वो जो जीतेगा। बीजेपी अच्छा काम कर रही है? क्यों नहीं कर रही है? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं कि यहाँ के सांसद अच्छा? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, अंतर है ना, मोदी जी अच्छा काम करना और सांसद का अच्छा काम करना, दोनों में फर्क है। इंजन चलेगा तभी तो बोई खींचेंगी। इंजन चलेगा तभी तो बोगी खींचेगी, आप बताइए ना जरा। आप ही का मेहनत ये लोग खा रहे हैं, बढ़िया चाव से खा रहे हैं, मतलब शानदार बनाते हैं आप। जी जी, आप तो शानदार बना रहे हैं। सरकार कैसा बना रही है सब कुछ? सरकार भी अच्छी बना रही है, सभी कुछ बढ़िया चल रहा है। जबलपुर में सब बढ़िया, सब एक नंबर है। एक लाइन से आप लोग बीजेपी है यार, 1996 से। हाँ, शुरुआत उन्हीं से हुई है ना। और कोई ऑप्शन नहीं है क्या जबलपुर में? कांग्रेस के पास क्या है ऑप्शन? कुछ भी नहीं है। आपको उम्मीदवार का नाम पता है? उम्मीदवार का नाम पता है यहाँ जबलपुर से? हाँ, आशीष दुबे। और कांग्रेस से? और नहीं जानता, कांग्रेस से नहीं पता है। क्या इतना जादू क्या है जबलपुर में, बीजेपी का इतना जादू क्यों सर? बीजेपी सही के साथ रहती है इसलिए जादू है। बीजेपी सही के साथ रहती है? सही मतलब क्या? जबलपुर में क्या सही? विकास चाहती है इसलिए साथ रहती है। जबलपुर एकदम विकास है पूरा टनाटन? नहीं नहीं, चल रहा है विकास, देख रहे हैं आप, विकास होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अब और आगे कुछ चाह रहे हैं आप लोग? क्या हम लोग क्या चाह रहे हैं? विकास तो एकदम से नहीं हो सकता, धीरे धीरे होगा। आप चाहो कि एकदम से सब कुछ बदल जाए जादू की छड़ी, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो धीरे धीरे विकास कार्य चल रहा है, पहले की अपेक्षा सब कुछ अच्छा है।
तो यही चीज तो कांग्रेस भी कहती है कि विकास जल्दी नहीं होगा, थोड़ा हम लोग कोई मौका दो ना, धीरे धीरे सब कुछ कर देंगे। नहीं तो ये अगर किया होता तो पहले किया होता। मोदी जी हैं कि आशीष दुबे जी हैं, फर्क है? आप बताइए ना जरा, आप लोग तो अलग चीज देखते हैं। बिना सेनापति के सेना नहीं चलती। मोदी जी सेनापति है, बाकी पूरी सेना है। बाकी पूरी सेना है। नाम मोदी जी का है हाँ। लेकिन आशीष दुबे प्रत्याशी जरूर है हाँ। लेकिन लोग मोदी जी के नाम से वोट डाल रहे हैं। लोगों के दिमाग में मोदी जी की, मोदी जी जो कर रहे सब अच्छा कर रहे हैं, तो उनका जो प्रत्याशी है तो मोदी जी अपने नाम से, मतलब मोदी जी का नाम चल रहा है। काम से ही लौट रहे हैं ना हाँ। सरकार लौट के आएगी फिर से? आप लोग तो काम से लौट के आ गए, सरकार लौट के आएगी? सब बताइए, ये उनसे नहीं, हम सबसे बात करेंगे। हम तो और माइक हम लगा देते जब तक नहीं बोलता है लोग। तो मुश्किल लग रहा है कि सरकार लौट के आए, क्योंकि जिस तरह के हालात लग रहे हैं हाँ। कि काम को लेके कोई बात नहीं हो रही है हाँ। रोजगार को लेके कोई बात नहीं हो रही है ना हाँ। अचीवमेंट उन्होंने क्या अचीवमेंट किया वो कोई बात नहीं, बस मुद्दों को भटका दे रहे हैं हाँ। पाकिस्तान में ले जाते हैं हाँ। कहीं मंदिर में ले जाते, कहीं मस्जिद में ले जाते। सब भाग गए, देखिए आप बोलना शुरू किए, सब भाग गए। मैं जो बोल रहा हूँ, जो है, जो दिख रहा है वो बोल रहा हूँ। तो फिर जबलपुर में, जबलपुर का तो इतिहास है, आप जबलपुर के ही हैं? जबलपुर के ही, बेसिकली 1996 से लेकर अब तक एक ही छाप, कमल छाप जबलपुर में। नहीं, अभी कौन है, अभी कौन उम्मीदवार है? दोनों उम्मीदवार का नाम पता है आपको? अभी दिनेश यादव कांग्रेस से हाँ, और आशीष दुबे जी बीजेपी से। बीजेपी से, तो आपको क्या लग रहा है इस बार जबलपुर किधर जाएगा? देखिए ये है कि सब पूरा डाउटफुल है, क्योंकि जनता के दिमाग में क्या चल रहा है वो तो अब बाद में समझ में आएगा, लेकिन हालात सही नहीं है। यदि लोगों ने यदि धर्म को लेकर सोचा और सही मुद्दों को भटक के सब एक ही चेहरे को देख देख के यदि वोट दिया तो फिर गलत दिशा में देश चला जाएगा। ठीक, लेकिन यदि सही मुद्दों को पकड़ के यदि बात की जाए हाँ। तो उन्हें कहाँ देना चाहिए वो सब देख रहा है सबको। क्या दिक्कत है कि जबलपुर वाला लोग को, जबलपुर की जनता को एक ही छाप दिखता है, कमल छाप क्या? ईवीएम पे और भी तो बहुत, इतना सारा लिस्ट होता है, वो सब नहीं दिख रहा है क्या? एक्चुअली क्या है हाँ। आपने जबलपुर वालों के लिए बोला ना हाँ। जबलपुर वैसे ही संस्कारदान है, तो उसको संस्कार देखेंगे ना, कमल में संस्कार देख रहे हैं तो डेफिनेटली वहीं जाएगा। तो जबलपुर इस बार भी संस्कार के साथ जा रहा है क्या? बिल्कुल जाएगा, 100%। विवेक तनखा पिछले बार थे उम्मीदवार, 4.5 लाख वोट से आप लोग हरा दिए, इतना हरा दिए कि लग रहा है कि टिकट भी लिए नहीं लिए। तो लोग जागे नहीं थे ना, अब जाते हैं। समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जबलपुर में क्या जादू है कि हर बार ये दिखा दीजिए, चाय का दुकान हो, आप मॉल चले जाइए, आप किसी भी शोरूम चले जाइए, यही झंडा हर जगह दिख रहा है। तो जबलपुर में इस झंडे का क्या जादू है, यही समझने के लिए हम लोग निकले हैं। आप बताइए सर, गन्ना का जूस तो मीठा होता है, सरकारी योजना मीठा होता है कि नहीं होता है? का नहीं होता है, होता है हुँ? वो मिठास आप चखे हैं कि नहीं चखे हैं कोई योजना का? सब योजना का चखे हैं। कौन सा योजना का मिठास चख लिया आपने? अरे कांग्रेस हो गई, जनता पार्टी हो गई। बीजेपी का कोई योजना का नाम पता है? मोदी बाबू का कोई योजना? मोदी बाबू की सभी योजना चल रही है अभी इस समय। आपको क्या क्या का लाभ मिला? 10,000 वाला लोन मिला ठेला के लिए। ठेला के लिए भी लोन मिला है? अरे वाह, कौन सा योजना था वो? मुद्रा वाला योजना था क्या? अच्छा अच्छा, अब नाम क्या है सर आपका? अन्नू। अन्नू अन्नू, दाढ़ी भी बढ़िया है आपका तो आपका ये जो ठेला हम लोग देख रहे हैं अन्नू जी का, ये ठेला मोदी जी के 10,000 वाला लोन से मिला आपको? ठीक। राशन मिला? राशन फ्री मिलता है। कितना किलो? पहले 35 मिलता रहा, 25 मिल रहा है। 25 अभी क्यों मिल रहा है? 25 पहले 35 मिलता रहा, 25 मिल रहा है। तो क्या लग रहा है, किधर है हवा, किधर है? जल्दी जल्दी फटाफट बता दीजिए। जनता पार्टी जीतेगी, और कहा जनता पार्टी जीतेगी, क्यों जीतेगी? भाई दिनेश यादव के मोहल्ले में व्यवहार नहीं है। कमा लेते होंगे 100-200 रुपए, जो कुछ कमा लेते हैं। फिर 100-200 रुपया कमाइएगा तो 50 रुपए का दारू भी पीजिएगा। अब वो खर्चा, खाने पीने का खर्चा तो लगेगा उनका। तो आप लोग मतलब वोट नहीं देते हैं? वोट आते ही नहीं है कि नहीं है? आधार कार्ड, मतलब वो कार्ड नहीं है, वोटर कार्ड? आधार कार्ड है? आधार कार्ड है हम लोग के पास। आधार कार्ड है, वोटर आईडी नहीं है। हम लोग पूछने नहीं, आप वोट देते हैं ना जी? कौन उम्मीदवार यहाँ से, जबलपुर से? भाजपा। भाजपा, कांग्रेस नहीं है? नारियल तोड़ने में बहुत मेहनत लगता है हाँ। नारियल को छीलने में भी बहुत मेहनत लगता है हाँ। सरकार बनाने में भी मेहनत लगता है? सरकार तो बनी,
लगता है ना, मेहनत तो लगता है ना, सब में मेहनत लगती है मेरा। फिर जबलपुर में लेकिन बीजेपी को लगता है कोई मेहनत ही करना नहीं पड़ता, हर बार जीत जाता है चुनाव। ये तो खेल है, ये खेल है, कोई भी जीत लेगा। कैसा खेल? आज के टाइम पे बीजेपी आगे ही रहेगी। अच्छा, बीजेपी आगे रहेगी। क्यों रहेगी आगे? उसका बोलबाला चल रहा है, बोलबाला चल रहा है उसका ना। हम ऐसे ही लोगों से बात करते हैं सियासत में, बहुत आम लोग। खीरा कैसे है भैया? 60 रुपए किलो। जबलपुर में हम घूम घूम के पूछ रहे हैं क्यों मोदी क्यों बीजेपी क्यों काम कर रहा है, इसलिए देखिए रोड कुलिया कुलियन के ही, हर एक चीज देखो। रुक जाइए आप भी, हर एक चीज देखो, पूरा मोदी कर रहा है, मोदी कर रहा है आपके लिए कर रहा है। मान लीजिए खीरा का व्यापार कर रहा है, आपको घाटा नहीं लग रहा? पैसा दे रहा है, अगर कर्जा मांग रहे तो कर्जा दे रहा है, ब्याज नहीं ले रहा, ऐसा थोड़ी है, सभी तो दे रहे हैं। अब हमको अब सब बोलेगा ये बीजेपी का पत्रकार है, सब लोग बीजेपी के बारे में बोल रहा था। तो अरे कुछ अपनी अपनी थोड़ा बुराई कर दीजिए ना। नहीं, बुराई वाला कोई काम नहीं है अपना। थोड़ा बुराई कर दीजिए ना, कोई बुराई, थोड़ा कांग्रेस के बारे में बोल दीजिए ना। नहीं, हम किसी की बुराई कोई हम इससे मतलब नहीं है, हमको सब बोलेगा बीजेपी का पत्रकार है, बचा लीजिए हमको। बुराई वाला कोई काम नहीं है, हमको जाने दो, धंधा करने दो, ये हम नहीं कर पाएंगे। दोनों आदमी तुरंत बताइएगा हमको, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी, बीजेपी ओनली मोदी, ओनली मोदी, मोदी जी, मोदी जी। क्यों 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 क्यों? बहुत अच्छे, मोदी एक सशक्त प्रधानमंत्री है, देश का पूरा कारोबार उसके हाथ में है। 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया जो मोदी ने 14-10 साल में करके बताए। हम तो बोला डंके छोड़ो, कोई बोल दे माइकल लाल मोदी नहीं है, मोदी के अलावा है कौन? पगला पगलों को वोट देंगे क्या? देख रहे हैं मिजाज, ये मिजाज है जबलपुर का, जबलपुर का यह है पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक। आपके तरफ की फूल की तरफ देखिए, ये तो 40-60 का मामला है, ऑल इंडिया, ऑल इंडिया 40-60 का मामला है। वो जबलपुर तो आपका यानी बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी का गढ़ है, तो यहाँ तो क्या है कि 75-25 वाला हिसाब है। विवेक तनखा जैसे नेता को यार हरा दिए 4.5 लाख वोट से। देखिए अभी तक में जो चल रहा था वो अलग बसे था, अब जनता जान चुकी है और इस बार 100% आप मानिए कि बदलाव होगा। माहौल यहाँ का, हिंदी भाषी राज्यों का माहौल, एक धार्मिक राजनीति करते हैं और आज अगर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और अपन जो हिंदी भाषी राज्य हैं वो देखें तो यहाँ पे धार्मिक के नाम पे जनता मासूम में पिघल जाती है, इनकी बातों में ऊपर संस्कारधानी शहर कहा जाता है। हाँ। तो जनता को एक वैसा माहौल बना दिया गया है कि लोग एक धर्म के नाम पे कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इस बार सचिन भाई के हिसाब से थोड़ा बदलाव होगा। बिल्कुल बिल्कुल, 400 पार का आंकड़ा करने देने वाले हैं ये, 100 सीटों में इनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। रानी ताल में हम लोग खड़े हैं, देखिए क्या सुंदर सिस्टम किया, फवारा बना दिया ना यहाँ पे सरकार, ऊपर का पानी गिर रहा है, ऊपर का पानी नीचे वाला को दे दिया। अब देखिए वहाँ पानी जमा होगा, फिर कहाँ उस तरफ नाले में जाएगा ना, नाले में जाएगा। हाँ। नाला वाला सिस्टम बढ़िया है, नाला बढ़िया सिस्टम, मतलब जबलपुर में रोड वाला सिस्टम विकास वकास बढ़िया है, बढ़िया है। क्या लग रहा है आपको माहौल किधर है जबलपुर का? जबलपुर का बीजेपी, बीजेपी ऐसा फवारा बना के बीजेपी, एकदम एकदम 100%। आप सर? बीजेपी। क्यों सर? काम किया हम लोगों ने, अच्छा। क्या काम किया? बहुत काम है, यही तो सब हर कुछ देखने को मिल रहा है। ये बीजेपी ना जी, ऊपर बीजेपी, ये भी बीजेपी, ये भी नीचे भी बीजेपी, ये भी बीजेपी, ये बीजेपी। अच्छा, ये सब पेड़ वेड़ सब, ये सब बीजेपी, मोदी है तो सब कुछ है, सब बीजेपी कर रहा है क्या जबलपुर में? सर ना बीजेपी कर रहा ना कांग्रेस कर रहा, करता कोई नहीं है। हाँ। सरकार है तो बस। तो फिर सब लोग बीजेपी 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 क्यों करते रहता है? जिसको पैसा मिलेगा सब करेगा यार, तुमको मिलेगा तुम भी करोगे। हमको तो ठेला वाला भी बीजेपी बीजेपी करते करते मिला है, पैसा मिल रहा है ना उसको, योजना वाला पैसा, योजना वाला पैसा। कांग्रेस योजना दिलवाएगी सब कराएगी तो कांग्रेस करेगा, जो करवाएगा वो करेगा, समझे? आदमी को सर पैसे से मतलब है, कोई भी दे, तुम दोगे तुम्हारा नाम लेगा, ठीक है? जबलपुर में विकास, विकास हो रहा है, हो रहा है। तो बारिश हो गई थी, कुछ लोग खड़े थे, हमने सोचा थोड़ा पूछ ले। तो पवन भाई की बात अच्छी लगी, थोड़ी सी तार्किक भी है कि भाई मैं कहता भी हूँ बार बार कि बीजेपी की USP ये है, अगर आज एक ठेला वाला भी ये चीज़ कह रहा है कि वोट तो जाएगा मोदी को, वोट तो जाएगा बीजेपी को, और जबलपुर के हर एक शख्स, मतलब ज़्यादातर अगर मैंने अब तक 100 लोगों से बात की होगी तो उसमें से 90 लोग जो हैं यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही, आशीष दुबे जो प्रत्याशी हैं जबलपुर से, वही लौट कर आएंगे। तो हम यही पूछ रहे हैं कि क्यों मोदी, तो लोग कह रहे हैं मोदी इसलिए क्योंकि मोदी दे रहा है,
क्या दे रहा है, किसी को राशन दे रहा है, किसी को मुद्रा लोन भी मिल जा रहा है, और सड़कें, पुल पुलिया, हाईवेज, ये तमाम चीज़ें जो हैं, जो कुछ भी नया बनते लोग देख रहे हैं ना, उसको बीजेपी से जोड़ रहे हैं। वोट देते हैं? हाँ वोट देते हैं, देते हैं ना वोट। आप किसको किसको देते हैं कि नहीं बताना है लेकिन बता दिया आप। हाँ, किसको देते हैं? कमल। क्यों देते हैं? हमको अच्छा लगता है उनका काम धाम सब अच्छा लगता है, इसलिए देते हैं वो। लोधी साहब, कमल का क्या काम अच्छा लगता है आपको? हमको सब चीज अच्छा लगता है। अब दे यही देखिए ना, रिंग रोड बन रही जोन चीज, और मकान का है, मकान का पैसा भी जल्दी जल्दी आता है। आपको आपको आया है? हाँ, मकान का पैसा, और लैटरिंग एटरिंग का जोन पैसा रहता वो भी आया है, और मान के चलो लाली लक्ष्मी भाई का भी जे भी निकाले बहुत अच्छा किए हैं, वो भी आया आपके घर। हाँ, सबको मिल रहा, लाभ मिल रहा, उज्ज्वला योजना का भी, गैस ये सब सब कुछ मिल रहा है। देखिए, हम आपकी तरफ देखिए भाग गए आप ना। हम बात करना चाह रहे हैं इस मुद्दे पर कि मोदी मोदी सब कर रहा है जबलपुर। आप लोग सहमत हैं क्या? मोदी मोदी ही हैं आप लोग भी क्या? सब मोदी मोदी क्यों कर रहे हैं? मोदी मोदी सर, हम परेशान हो गए, क्यों कर रहे हैं? काम देख के, सब कुछ देखते हुए है? काम देखते हुए। मैं वोटर हूँ। हाँ, जब से कांग्रेस देखा, जब से होश संभाला है, इतना बेकार नहीं किया। दिग्विजय सिंह था, यहाँ से चलना मुश्किल था। ये बोले हमको कि मोदी जी जैसा काम जो है कोई किया ही नहीं है। हाँ, तीन काम हमको बताइए जो काम से बालकृष्ण साहब को फर्क पड़ा हो। नहीं काम, जबलपुर कल चलने लायक रोड नहीं था, आज अच्छा रोड है, अलग हुआ। हाँ, है राम मंदिर बना। हाँ, है रोड रोड बनी। हाँ, दो साल में निपटा दिया, लाइट लग गई हर जगह, कुल मिला के सब चीज वही कर दी है। कांग्रेस के जमाने में यहाँ आप खड़े नहीं हो सकते, पूरे में झुग्गी बनी रही, पूरे में झुग्गी झोपड़ी थी यहाँ पे। कांग्रेस के जमाने में पूरी झुग्गी झोपड़ी थी यहाँ पे, जहाँ खड़े मकान में लगा सब। इतने बड़े बड़े बोल्डर थे, हम लोग तो क्षेत्रीय लोग हैं, इतने बड़े बड़े बोल्डर थे, आप नंगे पैर नहीं चल सकते थे। इतना इतना पानी रहता, इतना पानी रहता, रोड यहाँ की पता ही नहीं रहता था कि रोड कहाँ है। इधर भैंसे चरती थी जहाँ हम लोग घूम रहे। मुद्दे बहुत पुराने हैं, निपटे हाल फिलहाल। ये कहाँ है? ये तो मोदी ने ना, इसलिए मोदी मोदी कर रहा था। दमोनाका तो उधर चले जाओ, जहाँ लोग सो सकते, जहाँ आप लोग सो सकते हैं, सो सकते हैं। इतना अच्छा रोड है कि कम से कम लेट तो सकते हैं चादर बिछा के, नहीं तो पहले कीचड़ खबना रहा यहाँ पे। रियासत के जबलपुर की पारी की शुरुआत सबसे पहले विपक्ष से बातचीत करके ही करेंगे। पूछेंगे उनसे सवाल कि क्यों है आपका हाल इस बार थोड़ा सा बेहाल। दिनेश यादव जी उम्मीदवार हैं, कैसे देख रहे हैं? तैयारी तगड़ी है, इस बार मुकाबला होगा कड़ा कि फिर वही पांच लाख छह लाख से शिकस्त मिल जाएगी सर कांग्रेस को? मुझे लगता है कि अगर मुकाबला तगड़ा ना होता तो भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता जबलपुर ना आते, यहाँ उनको रोड में चलना ना पड़ता। ये बात एहसास करा रही है, LIB रिपोर्ट दे रही है कि वो सर्वोच्च नेताओं का भारतीय जनता पार्टी के आना ही मुकाबला तगड़ा है। मुकाबला तगड़ा है एकदम। लेकिन जबलपुर की जो जनता है सर, हम लोग जो सब जगह जा रहे हैं, सब कह रहे हैं कि अरे जबलपुर में कहाँ, जबलपुर में तो 96 से लेकर अब तक कमल के सामने हाथ टिक नहीं पाया है। क्या है इस बार तो और प्रचंड मोदी लहर है। हम तो देखिए अपनी रिपोर्ट बता रहे हैं, एक दिन के लिए आए हैं, निश्चित तौर पर हमारी सीमाएं हैं। आप लेकिन अलग अलग जगह घूम रहे हैं, आप ऐसी कौन सी आवाज सुन पा रहे हैं सर जो कि हम एक दिन में नहीं सुन पाएंगे और बाकी लोग भी नहीं सुन पाएंगे, जरा वो तो बताइए ना हमको। 3 दशक हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद को बने हुए, जो विकास एक पंचवर्षीय में होना चाहिए उनको 6 पंचवर्षीय लग गए। ठीक है, वक्ता तो आप है बढ़िया और आपके कार्यकर्ता भी आपके बात से बहुत प्रफुल्लित है, बाकी जनता तो तय करेगी। लेकिन सवाल एक और भी है सर कि कांग्रेस जो जा रही है घर घर जबलपुर में सबके पास, किन मुद्दों के साथ जा रही है ये जरा हमें बताइए ना आप विस्तार से एकदम। बेरोजगारी, हाँ, महंगाई, 2013 से लेकर आज तक झूठ 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 सफेद झूठ। हम तो कहते हैं सभी सामने देशवासियों से, खाली जबलपुर भर से नहीं, कि आपको कोई चीज जानने की जरूरत नहीं है। 2013 से 14 के चुनाव हुए, आप उसमें भारतीय जनता पार्टी के सारे माननीय मोदी जी के भी आप बयान सुन लें। हाँ। और वर्तमान से जोड़ लें। हाँ। यदि आपको झूठ ना लगे। हाँ। तो आप बताएं।
दो सवाल, पहला सवाल ये कि आपने बोला चलिए पहले बार को थोड़ी मंत्री बनाएंगे, तो दिनेश यादव जी भी तो पहली बार ही ना आए हैं, है ना, सांसद में पहला ये। आज मैं आपको बता दूं दूसरा, दूसरी बात भी सर एकदम फटाफट दोनों ले लीजिएगा। दूसरी बात ये सर कि 400 पार के नारे की बात है, तो 400 पार तो ये तो जनमत करेगी ना सर निर्णय, यस वोट करेगा निर्णय, और अगर अभी 301 है सर फिर भी तो तमाम के तमाम बिल तो निकाल ही ले रहे हैं ना सर, आपके लोग भी वोट कर दे रहे हैं उस तरह। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि जब जनमत पे भरोसा अगर है तो 400 पार का नारा क्यों, भ्रमित करने की बात क्यों, क्या तुम्हें प्रजातंत्र पर भरोसा नहीं, क्या तुम्हें इस बात का एहसास नहीं कि प्रजातंत्र चलता है बराबर के विपक्ष से, कि वो विपक्ष को चाहते नहीं है, और इसलिए भी प्रमाणित होता है कि एक तरफ खाते में आप 8,500 करोड़ रुपए रखे हो, दूसरे तरफ सामने वालों को आप नेता कर रहे हो। हमारी युद्ध के मैदान में तो आपकी सेना खुद इधर से उधर चले जा रही है। सेना नहीं जा रही है, कुछ लालची लोग और कुछ डरपोक लोग जा रहे हैं। तो ये तो रही कांग्रेस के प्रत्याशी की बात, हमने कहा था विपक्ष से शुरुआत होगी, विपक्ष से सवाल होंगे। अब लेकिन सुन लीजिए कि बीजेपी के प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर, अपने दावेदारी को लेकर और दिनेश यादव जी और कांग्रेस को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। शुरुआत सबसे पहले एक सवाल से सर, मेरे दिमाग में ये सवाल घूम रहा है शुरू से कि एक समय था जब आपके पिताजी महापौर का चुनाव लड़े थे इसी जबलपुर से सर, हार गए थे, और 2024 है, आशीष दुबे आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके लिए रोड शो कर रहे हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं हम आपसे? देखिए चुनाव में आपने जो पहला प्रश्न किया हार और जीत, ये तो होती ही है। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, उनके आने से कार्यकर्ताओं में जनता में जो ऊर्जा का संचार हुआ है वो आगे की पटकथा आपको खुद बता रहा है। 96 से लेकर अब तक बीजेपी है सर, लेकिन आप जो घूम रहे हैं सर हर जगह, मुझे एक बात बताइए बतौर प्रत्याशी कि हर जगह जबलपुर में क्या लग रहा है, प्रत्याशी आशीष दुबे जी हैं कि प्रत्याशी नरेंद्र मोदी जी हैं? प्रत्याशी कमल का फूल है और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी हमारे लिए इस समय, हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे, मैंने जैसे आपसे कहा कि वैश्विक नेता के रूप में स्थापित है और हमारा नेतृत्व वो कर रहे हैं, तो वो तो नेता हमारे हैं ही। कि मैं इतने लंबे समय से राजनीति में हूँ तो मैंने कई चुनाव लड़वाए होंगे, उसका अनुभव होगा। अब आज खुद लड़ रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में चुनाव कार्यकर्ता लड़ता है, व्यक्ति गौण हो जाता है। तो फिर ऐसा क्यों हुआ सर कि खबर आई कि आशीष दुबे जी जो हैं वो विष्णु दत्त शर्मा जी यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, खुद अमित शाह का भी नाम आया कि उनके भी आप बहुत करीबी हैं, ठीक है, लेकिन फिर जैसे आपके टिकट का ऐलान होता है सर, बिश्नोई साहब, अजय बिश्नोई साहब एक ट्वीट कर देते हैं कि कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आशीष दुबे जी को टिकट दिया है, हम कार्यकर्ता हैं, हमें तो उनके साथ खड़ा होना होगा, लेकिन उन्होंने अब हमें भूलना होगा कि उन्होंने हमें हराने का काम किया था, ये मामला क्या है सर, जरा बताइए। मैंने पहले भी कहा कि वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी है इस पर अब आप जो प्रतिक्रिया चाह रहे हैं ये भी वही देंगे। अरे यार आप तो बड़े मजेदार हैं। थोड़ा हम एक बार और पिंच करेंगे कि इस तरीके से वर्तमान में विधायक है पाटन से, वो अगर ऐसी प्रतिक्रियाएं आती हैं सर तो परेशानी होती है क्या, थोड़ा डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जाती है आपके तरफ से कि नहीं, आप भूल गए हैं बात को? मुझे तो पता ही नहीं ये सब कब हुआ और क्या हुआ, मैंने तो कहा ना वरिष्ठ नेता है हमारे, उनके बारे में मैं क्या प्रतिक्रिया दे सकता हूँ। तो खैर जबलपुर पर फिर से लौट कर आते हैं, आप देखिए फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, है ना, उन्होंने कहा कि रिंग रोड को देख लीजिए कितना शानदार हो गया है, तो ये तो जनता कह रही है सर, लेकिन अब अगर आप फिर से जीत कर आएंगे चुनाव तो फिर अब विकास के नए पैमाने क्या होंगे, सड़क तो आ गई। देखिए वैसे तो बहुत सी चीज़ें मेरे ध्यान में हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपसे अगर शेयर करूं, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनने के बाद, केंद्र में सरकार बनने के बाद जबलपुर ने एक महानगर का स्वरूप लेना शुरू किया है और ये लाइन अब आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है अब एक सबसे ज़्यादा ज़रूरत जबलपुर में अगर है तो एक नए जबलपुर को बसाने की। अगर आप वैसे विकास की दृष्टि से देखें तो एक इंटरनेशनल स्टेडियम की भी आवश्यकता है, क्योंकि हमको जबलपुर को विकसित और महानगरी स्वरूप देना है। तो फिर तो हम तो सवाल आपसे पूछ सकते हैं ना ये कि पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, यहाँ पर भी लगातार 4 बार से राकेश सिंह जी सांसद बने, तो हम ये सवाल पूछ सकते हैं ना सर कि 10 सालों में फिर उद्यम के लिहाज से, रोजगार के लिहाज से फिर उस हिसाब के काम क्यों नहीं किया गया सर? 10 साल में हमको पुराना सेटअप भी तो बनाना पड़ा, कांग्रेस 55 साल थी उसने क्या किया, हमको शुरुआती दौर पर भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब खड़ा करना होगा। देखिए जब स्टेप बाई स्टेप आप आगे बढ़ेंगे ना, एकदम से आप ऊपर तो नहीं पहुंच सकते।
फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, तब तो आप छत पे पहुंचेंगे। तो आशीष दुबे जी थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जबलपुर से, सियासत में यही हाथ मिला के खत्म कर रहे हैं इस कार्यक्रम को इस एपिसोड के लिए फिलहाल। बाकी आपको लिए चलेंगे और भी शहरों में और बताएंगे कि अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में सियासत का मिजाज कैसा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।